गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का गणित में पेज नंबर 113 करेंगे। गिन्नी गिलहरी, ये कौन है? गिन्नी गिलहरी और उसकी दोस्त चीची चिड़िया, ये है चीची चिड़िया, ने मेहमानों के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए डंडियाँ इकट्ठी करनी शुरू की। गिन्नी गिलहरी कहती है कि डंडियाँ गिनने में तो मुश्किल हो रही हैं। फिर चीची चिड़िया उसको एक आइडिया देती है, एक काम करते हैं, डंडियों के 10-10 के बंडल बनाते जाते हैं। उन्होंने 10-10 के बंडल बनाने शुरू किए। तुम भी उनकी मदद करो डंडियाँ इकट्ठी करके गिनने में। गिन्नी गिलहरी और चीची चिड़िया ने डंडियाँ इकट्ठी की। क्या तुम पता लगा सकते हो कि दोनों के पास मिलकर कितनी डंडियाँ इकट्ठी हो गई हैं? ये गिन्नी गिलहरी ने लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं और ये चीची चिड़िया ने। दोनों ने क्या किया था, 10-10 के तो बंडल बना लिए थे और जो खुली हैं वो अलग से रख दी। गिन्नी गिलहरी ने 1-2 बंडल और 2 डंडियाँ अलग से ली और चीची चिड़िया ने क्या बनाया, 3 बंडल और 3 डंडियाँ अलग से। एक बंडल में 10 तो ये कितनी होगी, 10, 10, 20 और 2, 22। और चीची चिड़िया ने कितने बंडल बनाए, 1, 2, 3, 10, 20, 30 30 हो गई और 31, 32, 33 और कितनी डंडियाँ हो गई, 33। अब यहाँ क्या पूछा हुआ है कि गिन्नी गिलहरी ने कितने बंडल बनाए, 1, 2, यहाँ लिखेंगे 2 और डंडियाँ कितनी हैं, 2। चीची चिड़िया के पास कितने बंडल हैं, 1, 2, 3, यहाँ लिखेंगे 3 और डंडियाँ कितनी हैं, 3। अब दोनों के पास कितने बंडल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 3 और 2, 5 और तिनियाँ कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमने बताना है कि कुल डंडियाँ कितनी हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये तो बंडल में हो गई 50, 51, 52, 53, 54, 55, कुल डंडियाँ हो गई 55।